आज मैंने बेसन की सब्जी बनाई है, जो देखने में भी कितना अच्छा है, उतना ही अच्छा ये खाने में भी लगेगा। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, कितना अच्छा बना है। चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं आपको कैसे बनेगा ये। चलते हैं बिना देर के किचन की तरफ। देखिए कितना अच्छा बना है। बेसन आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 4 आलू काटे हैं। देखिए इसको छील के धो लिए हैं अच्छे से दो पानी, फिर काटे हैं इसको। और 3 बड़ा बड़ा टमाटर लिया है मैंने, इसको पीसेंगे। 3 प्याज काटे हैं और 1 पौटी लहसुन, 2 इंच अदरक, इसको हम ग्राइंड करेंगे। टमाटर और प्याज लहसुन अदरक को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बेसन को हम छन्नी में छान लेंगे ताकि इसमें जो ये गुलथे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसको ऐसे कर कर के अच्छे से और छन्नी में हम छान लेंगे बेसन को, ताकि हम बेसन का घोल बनाए तो उसमें गुलथे ना रहें। देखिए मैंने बेसन को अच्छे से छन्नी में छान लिया है। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। अब इस बॉल्स में डाल देंगे बेसन को। अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। हाफ स्पून मैंने जीरा लिया है, जीरा पाउडर। हाफ स्पून काली मिर्च लिया है, काली मिर्च का ये पाउडर है। थोड़ा सा मिर्ची मैंने डाला है, मिर्ची आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा नमक डाले हैं, नमक भी आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, देखिए हल्दी इतना है थोड़ा सा ही। अब हम आधा चम्मच अजवाइन इसमें डालेंगे, ताकि बेसन कितने लोगों को गैस बना देता है, गैस न बनाए, इसलिए अजवाइन हम इसमें डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा अजवाइन को हाथ पर ऐसे मसल के डालेंगे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए, खुशबू। देखिए अब हम इसमें पानी डाल के इसको घोलेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। हम इसको हाथ से ही मिला रहे हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पानी इसमें। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाते हैं। ऐसे एक ही तरफ से ऐसे मिलाना है इसको। देखिए मैंने बेसन को अच्छी तरह से एकदम फेंक लिया है। देखिए कितना अच्छा इसका घोल बना है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं। आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं ताकि बढ़िया और एकदम फ्लफी बने। डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए मैंने बेसन को अच्छी तरह से फेंक लिया है। अब हम ये अप्पे वाला बर्तन है, इसमें थोड़ा सा हम तेल ग्रीस कर लिए हैं और इसमें अब हम बढ़िया तोड़ देंगे। देखिए ऐसे इसी तरह से हम सब में वैसे रख बेसन रख देंगे। फिर इसको देखा हमने सभी में बढ़िया तोड़ ली हैं और अब इसको थोड़े देर 5 मिनट ढक के पकाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसको, ढक देते हैं। देखिए हमारी बढ़िया कितनी अच्छी पक गई हैं। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए कितना एकदम मुलायम हुआ है। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में एक एक करके।
देखे, देखिए मैंने इतनी सारी बड़ियाँ बना ली हैं। देखिए इसको तोड़ के दिखाते हूँ कितना ये अंदर से पूरा भी देखिए कितना अच्छा बना है ये एकदम। और अब हम चलिए ग्रेवी बनाने चलते हैं। इसके लिए है, अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे सरसों का, इसमें 1/2 चम्मच मेथी डालेंगे, मेथी का तड़का लगाएंगे। देखिए हमारा मेथी तड़क गया है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक आलू थोड़ा पूरा कलर का ना हो तब तक नहीं निकालेंगे, चला चला के इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए हम ऐसे चला चला के फ्राई करेंगे, थोड़ा ये गोल्डन कलर का होने लगा है। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देते हैं, देखिए 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं हम, और थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। देखिए हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए गोल्डन कलर का हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको निकाल देते हैं। देखिए अब हम मसाला फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में और 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरा को थोड़ा तड़कने देते हैं, फिर हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, 2 मिर्ची डाल दे रहे हैं तोड़ के, थोड़ा तड़क जाएगा तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए हमारा जीरा पत्ता तड़क गया है फौरन, अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल देते हैं। हींग बहुत अच्छा लगता है बेसन की सब्जी में और गैस भी नहीं बनाता है, इसलिए हम हींग डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए जो ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको पहले डालते हैं। इसमें हम कुछ मसाला ऐड कर लेंगे। देखिए 2 चम्मच हम पीसी हुई धनिया डाल रहे हैं, धनिया पाउडर। आधा स्पून हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा रेड मिर्ची डालेंगे, आप स्वाद अनुसार मिर्ची डालें। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स करके चलाएंगे, अच्छे तरह इसको फ्राई करेंगे। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, पूरा कढ़ाई ये छोड़ने लगा है, देखिए कितना तेल तेल हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, ये तीखी नहीं होती है, ये बस कलर के लिए डाल रहे हैं ताकि सब्जी का कलर अच्छा लगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो थोड़ा कम ही पानी डालिए, सूखा सब्जी चाहिए तो। और हल्का सा नमक डाल देंगे क्योंकि हम बेसन में भी नमक डाले हैं और आलू में भी नमक डाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं। अब इसमें उबाल आएगा तब तक हम इसको ढक के पकाते हैं। मसाला को उबाल आएगा तब हम इसमें आलू और बेसन ऐड करेंगे। देखिए हमारा ग्रेवी उबल गया है। देखिए हमारा ग्रेवी उबलने लगा है, अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू हम ऐड कर दिए। इसमें ये जो बेसन की बड़ियां बना के रखे थे उसको भी ऐड कर देते हैं, और 1/2 बड़ी हम काट लिए थे 2-2 पीस में क्योंकि बड़ी बड़ी बड़ियां थी, इसलिए सब इसी में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल रहे हैं। डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे
और कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे ताकि पूरा ग्रेवी अंदर चला जाए बेसन के, अच्छी तरह से बेसन जर्ब कर ले, इसलिए इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट तक। देखिए मेरे बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितना देखने में अच्छा बना है। इसको आप चावल, पराठा, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं, इसको सर्व करते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है और आगे आप कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं। देखिए मैंने सब्जी को सर्व कर दिया प्लेट में, देखिए देखने में कितना अच्छा दिख रहा है ये। इसको हम थोड़ा सा धनिया पत्ती से सजा देते हैं। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा रेसिपी आपको देखना चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।